बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर हैं, इसको लाइक में सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज की वीडियो में नाज़रीन, जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने जिना कम्युनिटी सेंटर इस्लामाबाद में खिताब किया यूथ कॉन्फ्रेंस से, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। और इस चीज़ का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इकबाल के फलसफे पर सियासत कर रहा है, कोई लीडर है, तो वो कौन है? वो साद रेजी साहब। ये तमाम चीज़ें किस तरह से कैसे हुई, ये आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर होंगी। नाज़रीन, यहाँ पर जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मीमारों और शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। यानी जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये इकबाल के मीमार हैं, शाहीन है। यार मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के नौजवान यानी 70% नौजवानों को इकबाल की पैदाइश का और डेथ का जो तारीख है उसका भी पता नहीं है। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये अगर उनसे आप पूछेंगे इंडियन फिल्मों का या पाकिस्तान की फिल्मों का या अदाकारों का या ड्रामों का, वो आपको फटाफट सुनाएंगे कि संडे को ये ड्रामा लगता है, मंडे को ये लगता है, सैटरडे को ये लगता है, और इस तरह से ये तमाम आपको चीज़ें ये बताते जाएंगे। लेकिन इकबाल के बारे में उनको किसी किस्म का कोई जो है ना वो इल्म नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन आगे आर्मी चीफ साहब बताते हैं कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब तहजीब और तमद्दन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब और तमद्दन को अपना लें। ये पाकिस्तान के वैद लीडर है या आर्मी चीफ है जो ये बयान दे रहे हैं। अपनी मैंने अपनी जिंदगी में जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये मैं इनकी जबान से ये लफ्ज सुन रहा हूं। बाकी जो भी है उसने मिसाल दी यूरोप की। आप इमरान खान को देख लें कि जब इमरान खान वजीर आजम था, अपनी हर स्पीच के अंदर वो यूरोप की मिसाल देता था कि यूरोप के अंदर ये है, यूरोप के अंदर वो है, यूरोप के अंदर ये होगा, और इस तरह से बहुत से लोग हैं। लेकिन यहां पर जो आर्मी चीफ सब कह रहे हैं, वो एक मरतबा फिर आप सुने, वो कहते हैं कि हमें मगरबी तहजीब और तमद्दन को नहीं अपनाना चाहिए, नौजवानों को अपने वतन कौम सकाफत और तहजीब और तमद्दन और अपने आप पर बेपनाह जो ना वो एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सबूत है। हमारे मुल्क के नौजवानों को और इस मुल्क कौम को इस तरह से काम करना चाहिए कि रिवायात इकबाल और कैद आदम के ये जो ख्वाबों की ताबीर है, आप उनके भी आमीन हैं, आप उनको भी क्या करें, रोशन करें। ये आर्मी चीफ साहब ने कहा। दूसरा आर्मी चीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का तआवुन जो है वो जरूरी है। अब आगे आर्मी चीफ साहब ने जो कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपागंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है, सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है, तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए उसकी तस्दीक कर लो। तो यहां पर हम थोड़ा स्टॉप करते हैं कि आर्मी चीफ साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए, आपने कुरान पाक का हवाला दिया, कुरानी तालीमात के ऊपर आपने यानी ये तमाम लेक्चर दिया और कुरान पाक की आयत का ये हवाला दिया, आप ही वो खुशकिस्मत हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना हमें ऐसा कोई आज तक जो है ना वो बड़े उहदों पर बैठे हुआ बंदा नहीं मिला जो इस तरह की बातें करते, जो सरकार ही बड़े उहदे। तो आप देखिए आर्मी चीफ साहब, आप एक तरफ से ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो कुछ होता है, दूसरा अगर कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर रोजाना जो है वो फासिक आते हैं और आकर कौम के बच्चों को नौजवानों को लॉलीपॉप देते हैं और देकर वो चले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के इसी टीवी चैनल्स के ऊपर
एक सच्चा लीडर भी आया, और जिस चीज का आप एतराब भी कर रहे हैं इकबाल का फलसफा अलामा इकबाल और इस तरह कैद आजम के हवाले से, तो इकबाल के फलसफे पर सियासत करने वाले लीडर साद रिजवी और उनके मद्दे मुकाबल फासिक, यानी जो फासिक वो जब टीवियों पर आते हैं तो आपका मीडिया उनको हीरो बनाकर पेश करता है, दिखाता है, 24 घंटे कवरेज देता है। उनका कुत्ता भी गुम हो जाए तो खबर देते हैं, वो कि शूज नहीं लें तो खबर देते हैं, वो कि बीवी को तलाक दें तो खबर देते हैं, वो कि न्यू शादी करें तो खबर देते हैं। ये इस तरह से माहौल चलता रहता है। लेकिन गुज़श्ता रात एक सच्चा इंसान जब टीवी के ऊपर आता है, बयान करने की कोशिश करता है, कौम को इकबाल का फलसफा पढ़ाने की कोशिश करता है, फलसफे के ऊपर चलने की तलकीन करता है, तो वहां पर क्या होता है? अफसोस की बात तो यही है कि वहां पर उनका उस जो ड्रेस होता है, जो खिताब होता है, जो उन्होंने एड्रेस किया, उसको क्या क्या दिया जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है, उसको उड़ा दिया जाता है, बैन कर देते हैं, चलने नहीं दिया जाता। तो फिर बताइए क्या फिर आगे जिस तरह से आपने सर कहा कि पाकिस्तान के क्याम की रियासत तैबत से मुवासला है और दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई, बिल्कुल हुई है। और एक लीडर जब आते हैं तो फासकों को मीडिया दिखाता है और जो सच्चा होता है उसको नहीं दिखाता, तो इस चीज पर भी सर आप एक्शन लें और उन लोगों के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई करें जो फासकों को तो दिखाते लेकिन सच्चे लीडर को टीवी के ऊपर जो ना वो आने ही नहीं देते। और इसके बाद नाज़रीन आगे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मदनी वसैल ज़िरात नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है, मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तियारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और आर्मी चीफ जिंदाबाद के भी नारे लगाए। यह नाज़रीन आर्मी चीफ का खिताब था। असल कहने का मकसद यह है कि यहां पर आर्मी चीफ साहब जो है वो लेक्चर दे रहे कौम के बच्चों को कि आप इकबाल के फलसफा पर अमल करें, आप इकबाल के ख्वाबों की ताबीर के आमीन है। ये सब कुछ हुआ, इससे सुनकर जो है वो दिल भी खुश हुआ कि चलो यार कोई बंदा तो है जो इकबाल को यहाँ पर लेकर चल रहा है और इकबाल के ऊपर जो है वो लेक्चर दे रहा है, कौम को बता रहा है और कौम भी जो है वो सुन रही है। लेकिन एक चीज का तो सर हमें अफसोस है कि जब इकबाल पर लेक्चर देने वाला लीडर टीवी के ऊपर आता है और बयान करता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यह चीज आप सर देखिए कि ना काबिल बर्दाश्त है और इस चीज का हमें दुख होता है कि जब झूठे लोग आए, जब फासिक आए, आपने मिसाल दी कुरान पाक, जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो आप उसकी क्या करें, तस्दीक करें। जब ये फासिक आते हैं तो बगैर किसी तस्दीक के उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और उनको टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन जब एक सच्चा लीडर आता है तो उसको फिर फौर का क्या किया जाता है कि उसको फिर फौर नाजरीन रिमूव कर दिया जाता है और कॉपीराइट के बहाने पर उसकी जो बयान होते हैं उसको रोक दिया जाता है। तो ये सर आप भी इसके खिलाफ फिर एक्शन लें या फिर यहां पर आप अलामा साद हुसैन रिज साहब को बुलाते और इकबाल के ऊपर जो वो लेक्चर देते तो कौम उस लेक्चर को याद रखती। तो ये चीजें नाजरीन होनी चाहिए और इस तरह से क्या होना चाहिए कि तहरीक लबैक पाकिस्तान काम कार्य इकबाल के वाले से अलामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह की जो जिंदगी गुजरी है वो भी आपको मालूम है, इसी चीज के ऊपर गुजरी है जिस तरह से उन्होंने इकबाल को पढ़ाया, पूरी दुनिया को सुनाया, ये तमाम चीजें हुई और अब भी टाइम है कि लोग इस तरह से करें और करके पूरी दुनिया को दिखाएं। तो ये नाज़रीन चीजें होनी चाहिए और इन चीजों के ऊपर चल कर ही जो है ना वो आगे बढ़ा जा सकता है, वरना नहीं। ये इस चीज का जो इतराफ़ है वो आर्मी चीफ साहब खुद भी करें और इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल करेगी।
और आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की हैं, अगर आप देखें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नौजवानों में ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो पाया जाता है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के नौजवान ही इस चीज़ को, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।